हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सलोनी है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलएलपी को क्या क्या लिस्ट ऑफ एनुअल कंप्लायंसेस करने की जरूरत है। नॉट ओनली दी आरओसी कंप्लायंसेस बट टैक्स कंप्लायंसेस भी उसको क्या क्या जरूरत है एनुअली ओबे करने की, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो मंथ होता है, जनरली इट इज ऑन ड्यू डेट मंथ फॉर दी एलएलपीज। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या एनुअल कंप्लायंसेस ड्यू होंगे एक एलएलपी के लिए, उनकी ड्यू डेट एक्चुअली क्या थी, और एक्सटेंशन अगर प्रोवाइड किया गया है तो वो उस एक्सटेंशन की ड्यू डेट क्या है। ऑल्सो जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ईच कंप्लायंस। सो हमारा जो पहला कंप्लायंस आता है वो होता है फॉर्म 11 का कंप्लायंस। जो फॉर्म 11 का कंप्लायंस होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट इज टू बी कंप्लाइड एंड फाइल्ड एनुअली वंस इन अ ईयर। सो हर एलएलपी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है फॉर्म 11। अगर हम बात करें कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या जाती है, तो इन्फॉर्मेशन जनरली जो जाती है वो हमारे डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स की जाती है। एलएलपी में जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कितना रिसीव हुआ है उनसे, उसकी डिटेल्स जाती है। यदि हमारे एलएलपी के अंदर कुछ चेंज आया है, यानी कि हमारी एलएलपी के कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया है, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया है, कोई पार्टनर नया हमने एडमिट किया है, या किसी भी तरीके से हमारी एलएलपी के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज आया है, तो वो हमको वाया दिस फॉर्म 11 रिपोर्ट करना पड़ता है टू आरओसी। ओके, नेक्स्ट अगर इसकी ड्यू डेट की बात करें तो हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30th में या उससे पहले हमको ये फॉर्म 11 फाइल करना होता है। जनरली फॉर फाइनेंशियल 2019-20 की बात करें तो ये हमको 30th मई 2020 तक फाइल करना था, लेकिन कोरोना एंड एवरीथिंग के कारण एक्सटेंशन वॉज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक्सटेंशन हमको जो मिला है वो 30 सितंबर 2020 तक का मिला है। तो हर एलएलपी को फॉर्म 11 फाइल करना है बिफोर 30 सितंबर 2020 फॉर फाइनेंशियल 2019-20। ओके, दैट वॉज अबाउट फॉर्म 11, इट इज एन एनुअल रिटर्न। नेक्स्ट जो फॉर्म आता है दैट इज फॉर्म 8। फॉर्म 8 का जो नाम है वो है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। इसके अंदर जो पर्पस अगर हम बात करें तो इसके अंदर कंपनी अपने अकाउंट्स को फाइल करती है, कंपनी के जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं उनकी फाइलिंग की जाती है। इस फॉर्म को फाइल करने के लिए जो हमको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे कि हम सब जानते हैं बैलेंस शीट और P&L आते हैं। सो एवरी LLP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 हैज टू फाइल इट्स फॉर्म 8 ऑन और बिफोर 30th अक्टूबर 2020। ये अभी तक ड्यू डेट ही नहीं आई है तो उसका एक्सटेंशन की कोई बात ही नहीं हुई है अभी तक। लेट्स सी कुछ एक्सटेंशन आता है तो। ओके, तो दैट इज अबाउट फॉर्म 8। नेक्स्ट फॉर्म जो होता है दैट इज DIR 3 KYC। ये जो फॉर्म ऐसे नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट कंटेन्स द KYC ऑफ द डिजाइनेटेड पार्टनर्स ऑफ द LLP। यदि LLP के कोई भी डिजाइनेटेड पार्टनर की KYC डिटेल्स में चेंज आया है, KYC डिटेल्स इंक्लूड्स उनका नेम, उनका सरनेम, या फिर उनका एड्रेस चेंज हुआ है टू द लास्ट DIR 3 जो उन्होंने फाइल किया था KYC, उससे अभी तक में अगर कुछ चेंज आया है तो वी हैव टू फाइल दिस DIR 3 KYC फॉर्म। दो दिस DIR 3 KYC हैज टू बी फाइल्ड इन बोथ द केसेस, वेदर चेंज इज देयर और नो चेंज इज देयर, वी हैव टू फाइल इन बोथ द केसेस। बट अगर चेंज हुआ है तो हमको DIR 3 KYC की ई फॉर्म की जो डिटेल्ड एप्लीकेशन होती है वो फाइल करनी पड़ती है। यदि चेंज नहीं आता है तो वी हैव टू जस्ट क्रिएट एन OTP एंड वेरीफाई द सेम। ओके, तो दैट इज DIR 3 KYC। इसकी ड्यू डेट की बात करें तो हर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट 30 सितंबर होता है वहां तक हर LLP को अपने DIR 3 KYC अपने सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की करनी होती है। ओके, सो दैट इज अबाउट DIR 3 KYC। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अभी आपको तीन आरओसी के कंप्लायंसेस बताए हैं जो कि एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं, जो कि सारी LLPs पे एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें हमने पहला डिस्कस किया था अबाउट द फॉर्म 11, देन वी डिस्कस अबाउट फॉर्म 8, देन वी डिस्कस्ड अबाउट फॉर्म DIR 3 KYC। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द एनुअल टैक्स कंप्लायंसेस बाय अन LLP। तो टैक्स कंप्लायंस की बात आती है, उसमें सबसे पहला आता है इनकम टैक्स रिटर्न। LLP के ऊपर जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल होता है वो होता है ITR 5। हर LLP के ऊपर एप्लीकेबल होता है, राइट? यदि आपकी LLP की nil ट्रांजेक्शन भी अगर आपके LLP ने किया है तो भी आपको nil रिटर्न ITR 5 फाइल करना जरूरी है।
ड्यू डेट की बात करें तो 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग आईटीआर 5, बट अगेन ड्यू टू कोरोना एक्सटेंशन वॉज ग्रांटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एक्सटेंशन वॉज ग्रांटेड अप टू 30th November 2020. ओके, तो हर एलएलपी को अपना आईटीआर 5 फाइल करना है ऑन और बिफोर 30th November 2020. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आईटीआर फाइलिंग की जाती है बाय एवरी एलएलपी. नाउ देयर आर टू एलएलपीज ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स. एक ऐसी एलएलपी जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है और एक ऐसी एलएलपी जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है. तो जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है उसके लिए जो आईटीआर 5 फाइलिंग की ड्यू डेट होती है वो 31st July होती है ऑफ एवरी ईयर. ओके, विच इज एक्सटेंडेड अप टू 30th November 2020. ठीक है, जिन एलएलपीज के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है उनके लिए जो ड्यू डेट होती है वो 30th September 2020 ऑफ ईयर होती है, विच इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू 30th November 2020. इट मीन्स वॉट, अगर कोई भी एलएलपी है चाहे उसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है या चाहे उसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, दोनों के लिए जो आईटीआर 5 फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 30th November 2020 हो चुकी है. सो दैट इज अबाउट आईटीआर फाइलिंग. कमिंग अप नेक्स्ट इज एलएलपी ऑडिट. पहले मैंने बताया कि एलएलपी जो होती है वो दो टाइप की होती है. एक होती है जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है, जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है. तो कब कौन सी स्टेज पे एलएलपी के ऊपर भी ऑडिट एप्लीकेबल होने लगता है वो हम यहाँ पे देखते हैं. यदि किसी भी एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस हो जाता है या फिर उसके जो पार्टनर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से क्रॉस हो जाता है या फिर दोनों कंडीशन हो जाती है तो उस एलएलपी के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है. नाउ दे हैव टू अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट विल देयर बाय इशू ऑडिट रिपोर्ट और फिर उसकी आईटीआर 5 फाइलिंग होगी. आईटीआर 5 फाइलिंग जनरली ऑडिट अगर एप्लीकेबल है तो 30th September तक आपको ड्यू डेट दी जाती है, लेकिन एक्सटेंशन के साथ अब आपकी जो ड्यू डेट है वो 30th November 2020 हो चुकी है. सो दैट इज ऑल अबाउट द आईटीआर फाइलिंग ऑफ एनी एलएलपी विथ ऑडिट एंड विदाउट ऑडिट. एंड एलएलपी ऑडिट किसको करवाना, कौन सी एलएलपी को करवाना है वो भी हम यहाँ पे ऑलरेडी अब डिस्कस कर चुके हैं. सो ये जो लिस्ट ऑफ कंप्लायंसेस मैंने आपको बताए हैं जो कि एनुअल कंप्लायंसेस है, आरओसी के कंप्लायंस भी मैंने आपको 3 बताए हैं, उसके बाद मैंने आपको टैक्स कंप्लायंसेस जो एनुअली एलएलपी को करने होते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं. तो ये दिस आर द ओवरऑल पिक्चर ऑफ कंप्लायंसेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एवरी एलएलपी ऑन एनुअल बेसिस. होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू. And please go ahead and enjoy the extended duration provided by the government of India. But do not forget to comply the compliance requirement. Okay. So these are my contact details. अगर आपको कुछ query है regarding this video, so you can connect me on this. Thanks for watching this video.